हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वीनू और आप देख रहे हैं वीनूज वे। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं बहुत ही यूजफुल से ऑर्गेनाइजर्स जो अवेलेबल है अमेजोन पर और जिनकी मदद से आप अपनी वैनिटी या फिर अपने ड्रेसिंग टेबल को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको थोड़ा और स्टाइलिश, ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिक दिखा सकते हैं। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनाइजर्स हैं और मैंने कैसे यूज़ किए हैं, तो देखते रहिए आज का वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां मैंने सबके बाइंग लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आज के वीडियो में पसंद आता है तो सिंपली जस्ट जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबके लिंक्स अवेलेबल हैं, जाइए और चेकआउट कीजिए, कोई पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये फॉक्स लेदर फिनिश वॉच स्टोरेज बॉक्स एंड ऑर्गेनाइज़र। तो वॉच एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर इधर उधर हम रख देते हैं, टेबल में, ड्रॉअर में, और जब एक्चुअली में चाहिए होती है तो मिलती नहीं है। और अगर आपके पास दो तीन से ज़्यादा वॉचेस हैं तो उनको स्टोर करना और उनको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी फिनिशेस अवेलेबल हैं, ब्लैक में, ब्राउन में, टैन में, तो आप अपने हिसाब से ख़रीद सकते हैं। अंडर 1000 में बहुत ही अच्छा डील है ये। और ना सिर्फ अपने लिए, आप अगर किसी को गिफ्ट भी करना चाहें, अपने डैड को, ब्रदर को, फ्रेंड्स को, तो ये उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो ये कुछ इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ था एंड आप इसकी फिनिश देख सकते हैं, एब्सोल्युटली स्टनिंग फिनिश है इसकी, पूरा फॉक्स लेदर से बना हुआ है एंड इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। बैक में सिर्फ लेदर नहीं लगा हुआ है एंड ये आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील इसका लॉक है और अंदर आपको 12 कंपार्टमेंट्स मिल रहे हैं विद इंडिविजुअल सॉफ्ट पिलोज फॉर वॉच स्टोरेज एंड ये एक पॉकेट भी मिल रही है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। एंड ये जो है पिलोज, ये अगर आप निकाल देंगे तो आप अपने हिसाब से सिवाय वॉच के और भी कुछ स्टोर कर सकते हैं और इंडिविजुअल दिए हुए हैं हर एक बॉक्स में जैसे कि आप देख रहे हैं, ताकि आपकी जो वॉचेस हैं उनको बिल्कुल भी कोई नुकसान ना हो और वो इजीली स्टोर भी हो जाएं। तो कुछ इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं आप अपनी वॉचेस के अंदर। तो मुझे बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट लगा, इनफैक्ट मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये मंगवाया था। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और ये एक बहुत ही क्लासिक सा पीस भी है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा, काफ़ी ड्यूरेबल है। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपनी जो वॉचेस हैं फ़िलहाल इसमें लगा दी हैं और ये जो एक्स्ट्रा पीसेस होते हैं जो हम कटवाते हैं वो मैंने स्टोर कर दिए हैं इसके पीछे वाले जो पॉकेट है उसमें। बाकी आप गारंटी कार्ड वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं उस पॉकेट में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये एक सन ग्लासेस स्टोरेज बॉक्स है, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, आप कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिनको स्टोर करने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है और इधर उधर रख कर भूल जाते हैं, कभी गाड़ी में भूल जाते हैं, कभी पर्स में भूल जाते हैं, और एक डेडिकेटेड ड्रॉअर तो बहुत ही मुश्किल ऐसा होता है कि सबके घर में इतनी स्पेस अवेलेबल हो कि एक पूरा ड्रॉअर आप इसको डेडिकेट कर दें। तो इसमें अलग अलग साइज़ भी हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं कि इसमें 6-7 पीसेज आ जाएंगे और एक बड़ा साइज़ जो मैंने लिया है वो थोड़ा बड़ा है, उसमें 12 पीसेज रख सकते हैं आराम से। सो ये भी अंडर 1000 ही अवेलेबल है, तो ये भी एक गिफ्टिंग ऑप्शन हो सकता है अगर आप चाहें। और इसकी भी फिनिश आप देख सकते हैं कितनी सुपर्ब दी हुई है, उसी तरह से बिल्कुल फॉक्स लेदर फिनिश है इसकी। और इसके आगे आप देख सकते हैं कि दो मैग्नेटिक बटन्स दिए हुए हैं जो वो भी कवर्ड ही हैं उस फॉक्स लेदर से, तो दिखते नहीं हैं एंड ओपन करने में बहुत ही आसानी होती है। एंड इसमें जो 12 कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं उसमें आप अपने सनग्लासेस, आई ग्लासेस जो हैं स्टोर कर सकते हैं। और फिनिश अंदर की भी काफ़ी अच्छी है, वेलवेटी फिनिश है, पूरा सॉफ्ट मटेरियल दिया हुआ है, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा आपके आई ग्लासेस पर, सनग्लासेस पर। सो ये जो अंदर पार्टीशन दी हुई है ये रिमूवेबल है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं चाहे तो, और कुछ और स्टोर करने के काम भी आ सकता है ये बॉक्स। सो मेरे हिसाब से अगर एक फैमिली ये पूरा बॉक्स ले लेती है तो काफ़ी हो जाता है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के इसमें आप सनग्लासेस, आई ग्लासेस रख सकते हैं, इतनी स्पेस है। और वो जो पूरे जो बॉक्सेस हैं उसकी स्पेस इतनी ज़्यादा है कि चौड़े से चौड़ा सनग्लास भी आप आराम से रख सकते हैं उसके अंदर। और ये छोटा सा क्यूट सा मेरे बेटे का सनग्लासेस है।
सो या आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट स्टोरेज के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और एक जगह पर मैंने रख दिए हैं ट्रैवल वाले जो आते हैं पाउचेस, तो आप कभी भी जाना चाहे कहीं तो आराम से एक पाउच उठाइए और जो भी सनग्लास आपको लेना है वो उठाइए एंड यू आर गुड टू गो. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये प्रीमियम वुडन सर्विंग ट्रे. तो बेसिकली एक ट्रे है, लेकिन आप इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र की तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आगे आपको बताऊंगी. मैंने 9x9 inches की ली है, बट इसमें तीन जो हैं साइज़ अवेलेबल हैं, 11x11, 14x14 एंड 9x9 inches. तो मैंने 9x9 inches ली है अपने हिसाब से, और आप देख सकते हैं इसकी फिनिश बहुत ही अच्छी है. वुडन पूरी इसकी जो बाउंड्री है वुडन से बनी हुई है, और अंदर जो है पेपर लगा हुआ है. और हैंडल्स आप देख सकते हैं कितनी क्लासी और यूनिक फिनिश वाले इसके हैंडल्स हैं. तो अगर आप इसको कहीं सजाना भी चाहें तो आप उसके लिए भी ले सकते हैं, बट मैंने बेसिकली इसको लिया है अपने परफ्यूम्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक ही जगह पे, ताकि वो रहें. और बहुत ही बढ़िया मुझे ये पीस लगा, बहुत ही क्लासी ये पीस लगा. इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ इसको और लेने के लिए अपने ड्राइंग एरिया के लिए. सो या ये इसके हैंडल्स हैं, बहुत ही स्टील फिनिश के ये हैंडल्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं. और ये जो वुड की क्वालिटी है इट्स रियली सुपर. फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है. और आप चाहें तो ऑब्वियसली इसको भी गिफ्टिंग ऑप्शन की तरह ले सकते हैं. सो या मैंने कुछ इस तरीके से इसमें अपने परफ्यूम्स जो हैं अरेंज किए थे. और अगर आपकी वैनिटी या फिर आपका ड्रेसिंग टेबल थोड़ा ओपन में है तो आप इसको सजा सकते हैं अपने सारे परफ्यूम्स वगैरह उसके अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है अपनी वैनिटी को एक क्लासिक लुक देने के लिए. सो आपको कैसा लगा ये आइडिया मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. सो मूविंग ऑन टू सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट, ये एक MDF ट्रे है. कम इसके नीचे एक ड्रॉर भी दिया हुआ है छोटा सा. 395 रुपीज़ में अवेलेबल है, एंड इसमें तीन कलर आपको मिल जाएंगे, दो साइजेस मिल जाएंगे. तो मैंने जो लिया था मैजेंटा कलर, वो आई थिंक अभी अवेलेबल नहीं है. फ़िलहाल रेड, ब्लैक एंड ब्लू अवेलेबल है. तो आप अपने डेकोर, अपनी थीम के हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अ रियली वंडरफुल प्रोडक्ट एज एन ऑर्गेनाइज़र, और वैनिटी में रखने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है. मैंने कैसे यूज़ किया है मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये कुछ इस तरीके से है, और इसके अंदर भी सेम वो फ्लावर पेपर लगा हुआ है. एंड ये पूरा जो चीज़ है ये MDF से बना हुआ है, MDF बोर्ड से बना हुआ है, वुड नहीं है जैसे वो ट्रे में था. सो या ऊपर एक कंपार्टमेंट है, और नीचे आप ड्रॉर खोलेंगे तो तीन अलग सेक्शन दिए हुए हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टफ़. तो आप अपने कुछ भी ज्वेलरी या फिर अपने मेकअप कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसके अंदर. और मैंने कुछ इस तरीके से इसमें ऊपर अपना डेलीवेयर का थोड़ा बहुत मेकअप रखा है, और नीचे मैंने रखी हैं अपनी सारी लिक्विड लिपस्टिक्स दो कंपार्टमेंट में, और एक में अपना आई पेंसिल वगैरह काजल वगैरह रखा है. सो बहुत ही नीट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लासी लगता है ये, एंड आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी अगर ऑर्गेनाइज रहता है स्टाफ. सो दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट. सो मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट, ये एक कॉटन ज्वेलरी बॉक्स ऑर्गेनाइज़र है विथ 10 पाउचेस, एंड दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट. अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज्वेलरी जो है संभली रहे, और अगर आप चाहते हैं कि कहीं आपको ट्रैवल में जाना है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. कलर्स अवेलेबल हैं एंड कॉम्बोज अवेलेबल हैं. 428 रुपीज़ में फ़िलहाल ये है, मैंने पिंक कलर में लिया था, बहुत ही क्यूट सा है ये, एंड ये बहुत ही ड्यूरेबल है. आई विल शो यू हाउ. सो ये कुछ इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ था, बहुत ही अच्छी इसकी पूरी सिलाई वगैरह है, कहीं से उजड़ा नहीं है, कहीं से निकला नहीं है कोई धागा वगैरह. और पूरे में आप देख सकते हैं कि कपड़े के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है, एंड ऊपर जो है एक ट्रांसपेरेंट छोड़ा हुआ है जगह, ताकि आप देख पाएँ कि अंदर क्या क्या है. एंड इसके अंदर 10 पाउचेस दिए हुए हैं अलग अलग विद पार्टीशन, ताकि अगर आपकी ज्वेलरी है आप इसको सेफ रखना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ वो रगड़े नहीं और उसका कलर जल्दी ख़राब ना हो, तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. और चाहें तो आप इसको गोल्ड ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये मैंने पाउचेस में फ़िलहाल अपने सारे इयररिंग्स जो हैं बड़े बड़े एथनिक वाले वो रखे हुए हैं, एंड मैं सारे पाउचेस आपको फिर इसमें निकाल कर दिखा देती हूँ एक बारी.
सो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्लास्टिक का जो है हर में सेक्शन दिए हुए हैं, पार्टीशन दी हुई है ताकि कोई भी पाउच मिक्स ना हो. सो यू कैन जस्ट कीप योर ज्वेलरी सेफ इन दिस ट्रैवलिंग में भी और वैसे भी घर में भी, अगर आप पार्टीशन करके रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं. और हर पाउच में इस तरह की जिप दी हुई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, फ्लिमजी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ट्रस्ट मी. सो ये आगे जो है ट्रांसपेरेंट है और पीछे पूरा कपड़ा लगा हुआ है, हैंडमेड है ये, ताकि आपको दिख भी जाए कि उसके अंदर क्या है और इजीली आप स्टोर कर पाएं इस चीज़ को. सो इस तरीके से आप अपनी ज्वेलरी वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ नाइस प्रोडक्ट आई फील. आज के वीडियो में कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा. आपका फेवरेट कौन सा है इन 5 प्रोडक्ट में से जो आप ट्राई करना चाहते हैं, वो भी मुझे जरूर लिख के बताइएगा. एंड प्लीज टेक आउट टाइम टू चेक आउट माय इंस्टाग्राम अकाउंट. ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैं वहां पे बहुत एक्टिव रहती हूँ. यू कैन फॉलो मी ओवर देयर एंड वी कैन बी फ्रेंड्स ओवर देयर एंड वी कैन टॉक. चलिए गाइज, मिलती हूँ विद द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर.